नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हरा धनिया मार्केट में हर मौसम में देखने को मिल जाता है। हरा धनिया को ऐसे तो मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम धनिया के कुछ लाभ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे तो हरा धनिया कई बीमारियों का इलाज करने में लाभदायक होता है, लेकिन आपको हम इसके कुछ खास फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके वैसे हेल्थ के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें वेट लॉस भी है, और आप अगर इसको कुछ खास तरीके से इस्तेमाल करें तो वेट लॉस के लिए भी यह कमाल का होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वेट लॉस करने के लिए धनिया का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हरा धनिया के फायदे। हरा धनिया पेट की समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। धनिया का सेवन करने से आप पेट और पाचन से जुड़ी लगभग हर समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इसके लिए आप 2 कप पानी में जीरा और धनिया डालकर इसमें सौंफ और चाय की पत्ती मिलाकर इसे 2 मिनट तक गैस में उबालकर इसमें अदरक और चीनी भी मिला सकते हैं, और फिर इस मिश्रण का सेवन करें। इसका सेवन करने से पाचन संबंधित समस्या से भी राहत मिलती है और गले में होने वाली समस्याओं से भी आराम मिलता है। धनिया आंखों में होने वाली जलन को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ आप इसका चूर्ण बना ले और इसका सेवन कर सकते हैं। चूर्ण को तैयार करने के लिए आप मिश्री धनिया के बीज सौंफ को पीसकर इसका सेवन भोजन के बाद कर सकते हैं। इसके आंखों के साथ ही हाथ पैरों की जलन से भी छुटकारा पा सकते हैं। धनिया का सेवन करने से खून में इंसुलिन की मात्रा नियमित रहती है। इसके साथ इससे मधुमेह भी खत्म हो जाता है। अगर आप पेशाब ज्यादा पीला होता है तो इसे आप सूखे धनिये को पीसकर इसके 1 गिलास पानी में मिला लें। इसके बाद इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल लें और फिर ठंडा होने पर इसका सेवन करें। इससे आपका पेशाब गर्मियों में लू लग जाने पर हरे धनिये को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर इसमें चीनी डालकर इसका सेवन करें। रोज इसका सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलता है। मिट्टी के एक बर्तन में धनिया को भिगो लें। अब इसमें मिश्री मिलाकर इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से गर्मी के कारण आने वाले चक्कर या बेचैनी दूर। हरा धनिया पथरी के इलाज में भी बहुत फायदेमंद है। पथरी होने पर धनिया के पत्तों को उबालकर छानकर उसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की पथरी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। आंखों से पानी गिर रहा है तो हरे धनिये को पत्तों को पीसकर उसका पानी निकाल ले और इसको मोटे कपड़े में छान लीजिए। फिर उस पानी को किसी शीशी में डालकर रख ले और इसके 2-2 बूंदे अपनी आंखों में डालने से आपकी आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। मुंह के घाव को ठीक करने के लिए धनिया काफी फायदेमंद होता है। धनिया में जो एंटीसेप्टिक गुण होता है वो मुंह के घाव को ठीक करने में मदद करता है। सिर से बाल झड़ने पर धनिया का रस निकालकर उसे सिर पर लगाइए, फिर सिर को थोड़ी देर बाद धो ले। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नींद ना आने पर हरा धनिया में मिश्री को मिलाकर उसकी चटनी बनाइए। इसका सेवन दिन में 2 बार करें। इस उपयोग से आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। पेट में गर्मी होने पर बार बार दस्त आने पर 50 ग्राम हरा धनिया पीसकर उसे छाछ में या पानी में मिलाकर उसका सेवन करें। इससे दस्त से आराम मिलता है। इसका सेवन दिन में 2 बार करना चाहिए। धनिया की पत्तियों को खाने से इंसान का नर्व सिस्टम ठीक रहता है। अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी हरा धनिया बहुत फायदेमंद कराता है। अब हम जानते हैं धनिया का सेवन कैसे करते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे धनिया की चाय, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए हम 5 चम्मच कटा हुआ धनिया लेंगे, 1 लीटर पानी में डालकर उसे 20 मिनट तक उबाल लेंगे। अब उसमें नींबू डाल दें और बाद में पानी को छान लें और इस चाय का सेवन करें। मोटापा कम करने के साथ साथ यह आपके गुर्दे की बीमारियों को भी ठीक करती है। 1 लीटर से अधिक चाय आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। 1 महीने में सिर्फ 1 हफ्ते तक ही यह प्रयोग करें, ज्यादा देर तक ना करें। इसके बाद अगले महीने फिर से ये कर सकते हैं।
यह चाय आपकी पाचन क्षमता को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ ही यह आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बीमारियों के लिए लड़ने की शरीर में क्षमता बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।